नमस्कार, कहानी संसार में लीजिए सुनिए प्रसिद्ध कथाकार असगर वजाहत की लिखी एक लघु कहानी चार दिशाएं। वाचन स्वर मेरा यानी अनुराग चौधरी का है। जिस दीवार पर लिखा होता है यहाँ पेशाब करना सख्त मना है, उसी दीवार को देखकर पेशाब करने के लिए मन मचल जाता है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। रात के 7-8 बजे थे। मैं अपनी धुन में चला जा रहा था कि एक दीवार पर उत्तेजित करने वाला वाक्य लिखा दिखाई दिया। मैंने तुरंत फैसला कर लिया, इस तरह जैसे अपना फर्ज ही नहीं निभाऊंगा, एक बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी भी पूरी करूंगा। लेकिन सामने से डंडा हिलाता एक सिपाही आता दिखाई पड़ा और मैं मन महसूस कर रह गया। सोचा सिपाही आगे बढ़ जाए तो अरमान निकालूं। इस इंतजार में मैं दीवार के बराबर टहलने लगा और सोचने लगा, अगर दीवार पर यह लिखा होता तो कि इस दीवार के बराबर टहलना सख्त मना है, तो मैं क्या करता। थोड़ा और आगे बढ़ा तो दीवार पर लिखा था, दीवार पर पेशाब करने वाले को दंडित किया जाएगा। कुछ आगे लिखा था, दीवार पर पेशाब करने वाले को पुलिस के हवाले किया जाएगा। पढ़कर गुस्सा आया, वाह जी वाह, दीवार ने हुई, देश का संविधान हो गया। कनखियों से देखने पर पता चला कि सिपाही अब भी दीवार की निगरानी कर रहा था। मैंने सोचा उसे कैसे झांसा दिया जाए। एक तरफ नीम का बड़ा सा पेड़ था, उसके नीचे कुछ अंधेरा था। मैं उसके नीचे खड़ा हो गया। कुछ देर के बाद आंखें अंधेरे में देखने की आदी हुई तो वहां एक आदमी और खड़ा दिखाई दिया। वह मुझे अपने जैसा ही लगा। कहते हैं अपने जैसों से बातचीत न करना पाप है, इसलिए मैंने इससे बातचीत शुरू की और पता चला कि वह भी मेरी तरह इंतजार में है। हमें वहां खड़े ज्यादा समय नहीं बीता था कि एक तीसरा आदमी हमारी तरफ आया। कुछ देर बाद तीसरे आदमी ने बताया कि वह पेंटर है और उसी से दीवार पर निर्देश लिखवाए गए थे। यह जानकर हम समझे कि पेंटर हमें पकड़वाने आया है, पर उसने बताया कि वह भी दीवार पर पेशाब करने आया है। पेंटर की बात पर हमें थोड़ा आश्चर्य और ज्यादा खुशी हुई। हमने पूछा कि यदि उसी ने दीवार पर निर्देश लिखे हैं तो अब वह दीवार पर पेशाब क्यों करना चाहता है। पेंटर ने कहा, मैंने अपना जीवन बचाने के लिए दीवार पर लिखा था और अब अपने बच्चों के भविष्य के लिए दीवार पर पेशाब करना चाहता हूँ। हम बातें कर ही रहे थे कि वहाँ एक चौथी छाया भी आ गई। क्योंकि अंधेरा काफ़ी था, इसलिए चौथी छाया जब हमसे हिल मिल गई तो पता चला कि वह भी दीवार पर पेशाब करने की जुगाड़ में है। थोड़ा ध्यान से देखने पर और पूछने पर पता चला कि चौथी छाया दरअसल वह सिपाही है जो डंडा लिए दीवार की सुरक्षा के लिए तैनात था। तो दोस्तों, असगर वजाहत की लिखी कहानी चार दिशाएं लघु कहानी के रूप में है, लेकिन ये इस तरह का जो सामाजिक विकृतियां हमारे समाज में जो दोहरा चरित्र विद्यमान है उसकी तरफ इशारा करती है कि जो लोग जो निर्देश लिखते हैं, शिक्षाएं देते हैं, वो भी इनका पालन नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि एक सजग नागरिक के नाते हमारे जो दायित्व हैं, जो कर्तव्य हैं, हम उसे भी नहीं निभाते। इसके अलावा जो लोग सुरक्षा में, किसी चीज़ की सुरक्षा में लगे हुए हैं, वो भी सुरक्षा नहीं करते, बल्कि सुरक्षा में एक तरह से सेंध ही लगाने का कार्य करते हैं। तो सामाजिक विकृति और सामाजिक विद्रूपताओं को निहारती हुई, उसका पर्दाफाश करती हुई असगर वजाहत की लिखी कहानी चार दिशाएं आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।